आज हमारे देश में रोजगार की स्थिति कहाँ है, ये बात की चर्चा काहे नहीं हो रही है केंद्र सरकार में। डीजे नीरज जी, देवगौड़ा जी की गोद में आज पूरी भाजपा बैठी हुई है और उनके पोते जो रेपिस्ट सीरियल रेपिस्ट हैं उनके लिए वोट मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा प्रवक्ता और बुद्धि मीडिया की बल्ती बंद कर दिया है। अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखना कि इतना धुलाई हुआ है। वीडियो देखने का लायक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कभी रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों यह डिबेट बिहार में हुआ है और बिहार में आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने जिस तरह पीएम मोदी, बुद्धि मीडिया और मौजूदा उस प्रोग्राम में भाजपा का जो प्रवक्ता है, इतना ज्यादा धुलाई किया है कि आप देखते रह जाओगे। वीडियो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उन्होंने जिस एविडेंस के ऊपर बात किया था, बहुत सही एविडेंस दिया है और बहुत अच्छा बात किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और दुख के साथ इस बिहार की भूमि से कहना पड़ता है कि देश का प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1994 में कर्नाटक में अगर 4% का आरक्षण दिया तो देवगौड़ा जी की सरकार ने दिया, जो देवगौड़ा, जिनकी देवगौड़ा जी की गोद में आज पूरी भाजपा बैठी हुई है और उनके पोते जो रेपिस्ट सीरियल रेपिस्ट हैं उनके लिए वोट मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आज ही के दिन अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को भी टिकट दे दिया है, जिसके ऊपर हमने और अंजना जी ने कितने तमाम शो किए होंगे। जिस तरह से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, हर शब्द के ऊपर, हर चीज के ऊपर, कभी कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहते हैं कमरा ले जाएंगे, और कभी कहते हैं भैंसिया ले जाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अरे आप देश के प्रधानमंत्री, आपने 10 साल में क्या किया बिहार के लिए उसका उत्तर दीजिए। बिहार में कितनी स्मार्ट सिटी बनी उसका उत्तर दीजिए। आए थे यहाँ पर बड़े बड़े दोनों हाथ फैलाकर, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। यहाँ पर सेल लगाकर गए थे बिहार के, और बिहार का डीएनए ढूंढने आए थे यहाँ पर। हम पूछ रहे हैं कि क्या डीएनए मिल गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तमाम युवा यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर बैठे हैं। पहली बार हुआ है कि बॉम्बे IIT में 60% लोगों को जॉब नहीं मिली है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। केवल यहाँ पर नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आज हमारे देश में रोजगार की स्थिति कहाँ है, ये बात की चर्चा काहे नहीं हो रही है केंद्र सरकार में। डीजे नीरज जी, रोजगार का ही मैं बता रहा था कि जब 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, तो एक मुद्रा लोन से अगर एक रोजगार की सृजन मांगते हैं तो 45 करोड़ रोजगार यहाँ होता है। झूठ बोलो। EPFO का आंकड़ा मैंने बताया, कार मैन्युफैक्चरिंग भारत आज दुनिया में 3rd स्थान पर है। अच्छा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत दुनिया में 2rd स्थान पर हो गया। तो क्या नाचो भाई? आज अगर यहाँ का माहौल समझना हो, हाँ, बस एक लाइन छोड़िए, हम लोग की बात, हम लोग अपनी पार्टी की बात करते हैं। एक लाइन में समझिए, अब की बात जब बेइज्जती है। दोस्तों ये क्या चल रहा है, मोदी जी एक तरफ मुसलमानों को घुसपैठिए कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कांग्रेस मंगल सूत्र लेके चला जाएगा, दो भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस लेके चला जाएगा। बिहार की धरती पे आकर कह रहा है ये लोग मुजरा कर रहा है, कितना गलत गलत शब्द यूज कर रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर होकर इतना गलत शब्द यूज कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, जो कुर्सी है, उसमें सुबह देता है क्या? दूसरी बात है, इतना झूठ बोल रहा है। उनको एक बुद्धि मीडिया ने सवाल कर दिया कैसा भी करके कि
आपने हिंदू मुसलमान करने का क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन इस धरती में रहने का लायक ही नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन उसकी चार घंटा के बाद हिंदू मुसलमान चालू कर दिया। मतलब इतना झूठ, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर शायद दुनिया में पहले कभी नहीं आया। और हमारा देश में तो ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर में कुछ गलतियां था, लेकिन इतना झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर पहली बार इंडिया की सत्ता में आया था। तो इतना झूठ बोल के सत्ता में आने का क्या जरूरत है भाई? जहां पे जा रहा है झूठ बोल रहा है, पिछले 10 साल में क्या काम किया है इसका कोई गिनती नहीं है। कहां पे क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितना यूनिवर्सिटी बनाया है, कितना कॉलेज बनाया है, कितना स्मार्ट सिटी बनाया है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कहां पे बनाया है, कितना स्कूल बनाया है, कितना आईटीआई बनाया है, कितना नौकरी दिया है, कितना कंपनी देश में चालू किया है, कुछ भी नहीं है। जो भी था वो भी प्राइवेट कर रहा है, मतलब जो सरकारी था वो भी प्राइवेट दे रहा। और चुनाव आया है तो झूठ चालू हो गए। तो आज का दिन में इंडिया की जनता पूरा समझ चुका है कि मोदी जी देश को क्या करना चाहता है, कहां लेकर जाना चाहता है। और जनता आपकी बातों में शायद नहीं आने वाला है। जो लोग अंधो भक्त हो चुका है वो लोग का बात छोड़ो, वो लोग कभी नहीं समझेंगे। लेकिन जो समझदार है, समझदार को इशारा काफी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर भी जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए।